हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार बार बार आता रहूँगा, आपके दिलों में जो जगाता रहूँगा। तो जी, रिकवरी वाला दल्ला फ़ोन कर रहा है, भारत पे वाला, और इसको 11 लाख और 1 लाख में फ़र्क नहीं पता। आइए सुनते हैं दोस्तों। दिलीप कुमार से बात हो रही है? हाँ सर, मैं भारत पे एक एप्लीकेशन से बात कर रहा था। बोलो सर। सर, आपका एक लोन चल रहा था ना, बिजनेस लोन, 11 लाख का। कितने लाख का? सर 1,10,000 का चल रहा था ना आपका। हाँ बताओ। हाँ सर, उसके रिगार्डिंग बात करिए। आपका अमाउंट पेमेंट पर दिक्कत आ रही थी आप। सर पेमेंट तो नहीं होगी सर। क्या इशू आ रहा सर, ये तो बताइए एक बार में। सर डेली गाली खा रहा हूँ पैसे के बदले, तो और क्या पेमेंट क्यों करूँगा सर। सर उसका मतलब भारत पे एप्लीकेशन वाले गाली थोड़ी देते सर। तो आप जैसे लोग फोन करके गाली दे रहे हैं एजेंसी वाले। सर वो कोई और एजेंसी के पास फाइल होगी। सर कोई भी फाइल होगी, करवा तो भारत पे वालों ने, एजेंसी वालों ने दिया ना, वो मेरी फाइल तो भारत पे वाले ही तो दे देंगे उनको, तभी तो गालियां दे रहे हैं। सर मैं अपनी कंपनी और अपनी एजेंसी की साइड से माफी मांगना चाहूंगा। सर माफी मांग। अच्छा से काम नहीं चलेगा सर, जिसने गाली दिया आप उस बंदे को लेके आओ और एक हाथ से उस बंदे को पकड़ाओ, एक हाथ से पेमेंट लेके जाओ। एग्री हो तो सर। पेमेंट तो आपने ऑनलाइन ली है ना सर। ऑनलाइन ली है तो सर, कोई ऑनलाइन ली है तो सर, ये बताया गया था हमें कि मतलब क्या नाम है, हमारे रिश्तेदारों को कॉन्टेक्ट पे फोन करके गालियां बकी जाएंगी, उल्टा सीधा बोला जाएगा उनको। सर मैं अपनी उस बंदे से मैं जानकारी करवा दूंगा। सॉरी, जानकारी अभी लाइन पे लेके करवाइए, उसकी इंक्वायरी करवाइए और पेमेंट मैं करता हूँ, उसको सामने लेके आइए मेरे। अगर आप पेमेंट चाहते हो ना सर, तो उसको उस बंदे को सामने लेके आओ, नहीं तो आप ही आ जाओ सर सामने। सर अब मैं, आप कहाँ रहते हैं, आप ये बताइए सर। एड्रेस तो आप अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं आ जाता हूँ। सर मैं बैंगलोर में वैंकिंग टावर के पास है हमारा ऑफिस। सर आप दिल्ली से बात कर रहे हो, झूठ मत बोलो सुबह सुबह के टाइम, ठीक है। आपका एड्रेस कहाँ पे तो बताइए सर। आपका एड्रेस तो मेरे पास होगा ना, जब आपको मेरी फाइल मिली है, केस मिला हुआ, तो आपके पास मेरा एड्रेस होगा, आप आ जाओ। मैं अभी बताता हूँ सर, आपका एड्रेस मैं कंफर्म कर लेता हूँ एक बार, आपका एड्रेस ना। एक सेकंड लाइन पे। सर महाराष्ट्र पुणे में एड्रेस दिखा रहा है आपका। हाँ जी उधर ही रहता हूँ। हाँ ठीक है सर, मैं इंक्वायरी करके उस बंदे से आपको अभी कॉन्फ्रेंस लेता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है सर। चाल दिया सर, देखो एक बार बताऊँ आपको। हाँ जी। पेमेंट तो ना के बराबर है, ठीक है। पेमेंट तो मैं नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा। नहीं सुनो, मेरी मेरी बात सुन लो आप, पहले मेरी सुन लो आप जितना बोलोगे मैं सुन के लूँगा, ठीक है। देखो पिछले 3-4 महीने से मेरे कॉन्टेक्ट नंबरों पे फोन किया गया था, हालांकि पहले मैं बहुत डरता था, अभी डरता नहीं हूँ, अभी सबको बता दिया हूँ मैं, अगर किसी का फोन है तो सीधा गाली देने का उनको, ठीक है। सबको फोन करके कॉन्टेक्ट लिस्ट पे गालियाँ दे रहे हैं, मुझे फोन नहीं आ रहा है। और अभी रात की बात बताऊं मैं आपको, कल की बात बताऊं मैं, कल मुझे मेरा नंबर, पता नहीं क्या सिस्टम जनरेटेड होता है, उसमें नंबर डाल दिया गया और मुझे पूरा दिन फोन आया, मैंने एक भी फोन रिसीव नहीं किया, ठीक है। एक भी फोन रिसीव नहीं किया मैंने उनका, OTP आ रहा है लॉगिन का, OTP और OTP बार बार मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप पे वैसे मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहे हैं, मैं उठा नहीं रहा हूँ। और वो फोन करके इतना गाली दे रहा, जैसे ही फोन उठाओ मुझे पता होता कि ये गाली बगैर मैं फोन नहीं रिसीव करता। और मैंने अभी आपको खुद कॉल किया है, आप कॉल कर रहे थे मुझे फोन लग रहा था। नहीं सर नहीं लग रहा। आप किस नंबर से मुझे फोन कर रहे हैं आप बताओ, आपका नंबर भी सेम होता है, हम फोन नहीं कर सकते इधर से। नहीं मेरा पर्सनल नंबर ही है सर। जो गाली, इतनी गाली कल, पता है रात को 11:30 बजे तक मैं गाली सुना हूँ, रात को 11:30 बजे बंदा गाली दे रहा था मुझे फोन करके, व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा था, क्योंकि व्हाट्सएप को उसको लग रहा था व्हाट्सएप की कॉल रिकॉर्ड नहीं होती है, लेकिन उसके बाप है हम जो फोन कर रहा था। रिकॉर्ड करके रखा हूँ मैं, और सारे सब पुलिस स्टेशन में सब करवा दिया हूँ मैं, 3-4 महीने पहले भी करवाया था, अभी परसों भी करवाया है, और उसकी आज पूरी इंक्वायरी करवाऊंगा। और भारत पे की पेमेंट मैं नहीं करूंगा, लीगली तरीके से करूंगा कोर्ट में, जब वो बंदा मेरे सामने हाजिर हो जाएगा तब। एक लेडीज थी और एक जेंट्स था कोई, उन्होंने गाली बका है यहाँ फोन करके, तो जब तक वो सामने नहीं आएंगे मैं पेमेंट नहीं करूंगा आपसे, मैं सीधी सी बोल रहा हूँ पेमेंट नहीं करूंगा। क्यों पता है मुझे, 3-4 दिन पहले ही, सुनो, 3-4 दिन पहले मुझे किसी का फोन आया था, आप जैसे ही लोग फोन किए थे मुझे,
उन्होंने बड़े प्यार से, विनम्रता से बात की, बहुत प्यार से, ठीक है। उनको मैंने बोल दिया पेमेंट नहीं करूंगा मैं। फिर पता उन्होंने क्या किया, फिर से वही चीज़ चालू कर दिया, कॉन्टेक्ट लिस्ट पे फोन करना, ठीक है, और मुझे फिर फोन आने लगे। हालांकि अगर उसने एक गाली दिया होगा ना, तो जहाँ पे फोन किया था ना, उसने 50 गाली खाया होगा वो। और इनकी औकात नहीं होती है सामने से आके बात करें, ये सामने से बात करते नहीं है, फोन पे ही गालियां बकते हैं। क्योंकि सामने से अगर गालियां बके तो इनके मुंह में हाथ डाल के खींच ले फिर बाहर जवान उनकी हम। और आप भी वही काम करोगे, मुझे भी पता है, मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं करूंगा पेमेंट, सीधी सी बात है। और अब करूंगा भी नहीं, कभी नहीं करूंगा, ये भी बात है। क्योंकि मैं, सुनो सर, मेरी जो बेइज्जती करवाई गई है, मैं पैसे दूंगा क्या? मैं पागल पागल नहीं हूँ, मैं 1 रुपए भी नहीं देने वाला हूँ भारत वाले को, सीधी सी बात है। और आप दिलवा रहे हो मुझे, मेरी मानहानि जो की गई है, मेरी बेइज्जती करवाई है, उसका मैंने केस कर रखा है भारत के खिलाफ, आप दिलवाओगे मुझे? जैसे आप भारत पे का एजेंट बन के मुझे फोन कर रहे हो, रिकवरी वाले हो, मुझे पता है, ठीक है, तो आप मुझे भी मेरी दिलवाओ। 30 लाख की मानहानि केस करवा रखी है, अपने पैसे 1,10,000 रुपए काट के मुझे बाकी के पैसे दिलवाओगे आप मुझे? कितने की सर करा रखी है? 30 लाख रुपए की। 30 लाख की। 30 लाख की। हाँ, दिलवाओगे आप मुझे पैसे? मैं कंपनी से बात करूंगा, एजेंट की पहले इंक्वायरी करूंगा किसने आपसे गाड़ी की लॉस करी, ठीक है, तो जब ठीक है, जब इंक्वायरी कर लेना फिर मुझे फोन कर लेना, ठीक है, इंक्वायरी कर लेना फिर मुझे फोन कर लेना, और इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद ही फोन करना है सर, पेमेंट वेमेंट के लिए फोन मत करना मुझे, पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है? ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, तो सर मैंने उसकी इंक्वायरी करी अपने उसमें कंपनी में, तो बात बंद मिल गया मुझे। अच्छा, तो आप बताएं, आप उसके साथ में क्या कर रहा हूँ, खुद ही बताइए। लेके आ जाओ आप। अब सर मुंबई आया हूँ, आप उसके आना, आप बताओ, मैं आ जाता हूँ। नहीं, हाँ बता दो अपनी कंपनी के, अपनी कंपनी के साइड से कि मैं उस बंदे को कॉन्फ्रेंस कॉल पे या अपने ही इसी कॉल पे लेकर मैं उससे माफी मांग करवा सकता हूँ मैं। चलिए ठीक है, आप कॉल करिए, मैं तो आवाज पहचानता ही हूँ। आपने कोई आइडिया लगाया है कि वही बंदा है, ये तो मैं देखना पड़ेगा मुझे। हाँ सर, हाँ कोई दिक्कत। पहले मैं नाम पूछूंगा उसका, ठीक है, अगर उसने पहला क्वेश्चन मेरा सही राइट आंसर दिया भाई, तो मैं बात करूंगा, नहीं तो फिर मुझे पता चल जाएगा आप किससे बात करवा रहे हैं, ठीक है, आप लाइन पर। जब ग्राहक ने बोला कि भाई मेरी बात करा दो, मैं उसकी आवाज़ पहचान जाऊंगा, तो ये क्या चाह रहा था, एजेंट की भाई किसी की बात करा देगा, माफ़ी मंगवा देगा, और ग्राहक बेवकूफ़ है, उसके वो रोटी तो खाता नहीं है, वो खाता है, वाह जी ठीक है पेमेंट ले लो, माफ़ी मांग ली। यहाँ पे ग्राहक ने कह दिया जी मैं उसकी आवाज़ पहचान जाऊँगा, मेरी बात करा दो, तो बेचारा दल्ला भग गया। बजाते हैं दोस्तों उसकी, मैं नंबर डालूँगा, आप भी बजाना।